अगर आपको बोला जाए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपके डॉक्यूमेंट अंदर में टाइप कीजिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या कोई मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चंस बनानी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कीबोर्ड माउस में ये सारे के सारे सिंबल आपको नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वर्ड का जो इंसर्ट टाइप के अंदर में सिंबल्स ग्रुप का इक्वेशंस जो कमांड है उसका हेल्प आप ले सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि कोई सिंबल ऐड करो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर में और जो सिंबल आपका कीबोर्ड में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश कुमार साहू और टेक्नो एनपीडी दिनेश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का जो लेसन का आपका सिंबल्स ग्रुप जो है इंसर्ट टैब के अंदर में उसके बारे में। जैसे कि मैं कुछ देर पहले आपको बोल रहा था कि आपको अगर मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट करना है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सिंपली आपका सिंबल्स ग्रुप में जाना है, इंसर्ट टैब का इक्वेशंस के अंदर में आपको क्लिक करना है। आप जैसे इक्वेशन कमांड के ऊपर क्लिक करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल बाइनोमियल थ्योरम का आपका है, एक्सप्रेशन ऑफ सम का है और फोरियर सीरीज, ऐसे बहुत सारे हैं, या इंसर्ट आप न्यू फंक्शन में जा सकते हो। इसके अंदर आप जैसे स्क्रॉल करते हो इसमें और भी बहुत सारे हैं, आपका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, हाँ टेलर एक्सप्रेशन है, ऐसे आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना रहेगा। मैं इसमें से आपका एक सिंपल सा लेके दिखाता हूँ, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल आपको लिखना है, बस इसमें आप क्लिक कीजिए, आपका यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ए जो फार्मूला होता है आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। आप अगर आपके कीबोर्ड में अगर पाई सिंबल ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंबल्स का हेल्प इक्वेशन वाले जो है आप इसका हेल्प आप ले सकते हो। मैं जैसे इसमें ऐड किया हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक एक्स्ट्रा डिजाइन इक्वेशन टूल्स के अंदर में डिजाइन टैब आ चुका है, जिसमें आपका टूल्स है, कन्वर्सन है, आपका डिफरेंट कन्वर्सन आप कर सकते हो, आपको डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपका स्ट्रक्चर मिल जाएंगे फ्रैक्शन के लिए अलग से, आपका स्क्रिप्ट के लिए अलग से, रेडियल के लिए अलग से, इंटीग्रल के लिए अलग से, यहाँ पे आपका समेशंस का लार्ज ऑपरेटर का भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के लिए भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको इसमें से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिएगा आप बस उसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, यहाँ पे आप प्रोफेशनल लिनियर भी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे आप इसमें जाओगे तो ये आपका लिनियर प्रोफेशनल में आ चुका है। उसी टाइप का मान लीजिए आपको और कुछ इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट टैब में चले जाइए, उसके बाद आपको सिंबल्स ग्रुप का आपका इक्वेशन जो कमांड है उसमें आपको जाना है, उसके बाद आपका जो भी सीरीज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए, जैसे सभी को पता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी रूट ओवर डिवाइडेड बाई टू ए होता है, ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक का इक्वेशन भी आ गया है, आपको यहाँ जहाँ पे भी रखना है आप वहाँ पे इसको अलग अलग रख सकते हो, ये देखिए। तो ऐसे टाइप का फ्रेंड आप लोग आपका मैथमेटिकल जो का जो क्वेश्चंस है या इक्वेशंस है एक्सप्रेशन है आपका कीबोर्ड के जरिए से जो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब का जो बेहतरीन फीचर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल्स का इक्वेशन कमांड। जो लोग मैथमेटिशियन हैं और जिनको क्वेश्चन वोश्चिन अगर बनाना है ऐसे केस में, उन लोग के लिए ये ऑप्शन से कमांड जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर आते हैं इसका जो अगला कमांड जो है सिंबल्स के अंदर में, सिंबल्स कमांड, तो इसमें जैसे कि मैं आपको पहले से भी एक बार बताया था एक प्रैक्टिकल में जो सीक्रेट में बताया था आपको, रुपी का सिंबल अगर आपको डालना है, जैसे कभी कभी क्या होता है कोई कीबोर्ड में नहीं रहता है मान लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंबल्स में जाएंगे। अब यह सिंबल में जाओगे यहाँ पे बहुत सारे अल्फा बीटा गामा रेडियस इन्फिनिटी इस टाइप का जो सिंबल्स आपका जो कॉपीराइट सिंबल हो गया और कुछ भी है जो आपका कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है, वो सारे का सारे सिंबल्स आप सिंबल्स के अंदर में जाके ढूंढ सकते हो। अब जैसे मोर सिंबल्स में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सिंबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें से आपका फॉन्ट का डिफरेंट इफेक्ट आ जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी आपका मिल जाएगा यहाँ से, उसके साथ आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगा। आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता है तो यहाँ से आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सारे का सारे यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, किसका नाम क्या है कैसा है ये सारे के सारे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और शॉर्टकट की के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आता हूँ आप सिंबल्स में, मान लीजिए आपको इंसर्ट करना है इसमें से, सपोज थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर में। अब जैसे नीचे तरफ अगर आते हो यहाँ बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारा वैरायटी है सिंबल, इसमें से आपको जो भी चाहिए आप उसको ले सकते हो। जैसे कि मेरे को मान लीजिए ये डॉलर साइन इंसर्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉलर साइन है, ऐसे तो आपको कीबोर्ड में भी डॉलर साइन मिल जाता है, पर क्या आपको पता है डॉलर साइन का कोड क्या होता है, उसका शॉर्टकट आपको क्या यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे डॉलर साइन में क्लिक किया हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक कैरेक्टर कोड बोल के एक ऑप्शन है जिसका वैल्यू है 0024,
इसके बारे में मैं बताया था, इसको मैं डेमो आपको दिखाऊंगा एक बार, आप इसको याद रखिए डॉलर साइन के लिए 0024। इसके साथ में अगर आप अपने हिसाब से भी कोई शॉर्टकट की इसको असाइन करना चाहते हो तो आप शॉर्टकट की में जा सकते हो। जैसे मैं शॉर्टकट की में जाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज कीबोर्ड में आ जाएगा आपका स्पेसिफाई कमांड, कमांड का नाम है डॉलर, उसके बाद यहाँ पे करंट कीज आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी की अभी असाइन नहीं किया गया है। आप अगर चाहो तो डॉलर साइन के लिए एक नया शॉर्टकट भी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट के साथ में मान लीजिए डी दिया, सपोज कंट्रोल ऑल्ट डी, इसको आपको याद रखना है, फिर इसको असाइन कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट कीज में आपका शॉर्टकट असाइन हो चुका है ऑल्ट कंट्रोल डी, इसको आपको याद रखना है, इसको क्लोज कर देना है। जैसे मैं आपको बताया था कैरेक्टर कोड के बारे में, इसको याद रखना है, ये आपका यूनिकोड है हेक्साडेसिमल, उसके बाद इसको आपको इंसर्ट करना है, सपोज अगर चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं उसको इंसर्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डॉलर साइन आ चुका है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ डॉलर साइन मेरे को चाहिए तो मैं डॉलर साइन वाला आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका डॉलर साइन है। अब मैं आपको सीक्रेट में एक बताया था कोड टाइप करके आपको कोई भी सिंबल्स कैसे लाना है, जैसे कि आपको बताया था 2029 से आपका अगर टाइप करोगे, और दिखाया था आपको, याद है या नहीं मेरे को पता नहीं है, 20B9 आपको टाइप करना है, उसके बाद अब मैं बोला था ऑल्ट और एक्स को एक साथ दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रूपी का सिंबल आ गया है, उसी टाइप का मैं आपको डॉलर का भी दिखाया था। डॉलर के लिए क्या था आपका यूनिकोड याद कीजिए 0024, याद है आपको, ठीक है 0024, ये है आपका डॉलर का यूनिकोड जो हम लोग कुछ देर पहले इसमें देखे थे। अब करना क्या है, इसका अगर आपको सिंबल चाहिए तो उसके लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना है ऑल्ट और एक्स। आप जैसे ऑल्ट और एक्स दबाते हैं, आप देख सकते हो आपका डॉलर साइन में जो यूनिकोड हम लोग टाइप किए थे वो कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत ही आसान तरीका है, एक टॉप सीक्रेट है, यूनिकोड कैसे इंसर्ट करना है आपको अगर पता रहेगा, या तो कोई भी शॉर्टकट आप अगर असाइन किए हो तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंबल्स का हेल्प ले सकते हो। इसमें दोस्तों मैं एक शॉर्टकट भी ऐड किया था कीबोर्ड्स के जरिए से, क्या था हुआ आपको याद है? अच्छा ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और डी दिया था। देखिए मैं जैसे कंट्रोल ऑल्ट डी प्रेस किया, मेरा डॉलर साइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो ये था आज का लेसन के बारे में, इंसर्ट टेप का सिंबल्स ग्रुप, और टॉप सीक्रेट है आपका यूनिकोड, सिंबल्स में जाना है आपको याद रखना है, मोड सिंबल्स में जाना है। जैसे आप कोई भी सिंबल में क्लिक करते हो, जैसे आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, कोई ग्रेटर देन हो गया, इसमें और भी बहुत सारे हैं, आपका म्यू लेना है ये भी आप ले सकते हो, इसका कैरेक्टर कोड आप देख सकते हो 0005। आपको अगर कैरेक्टर कोड पता रहेगा यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको आने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैरेक्टर कोड टाइप कीजिए ऑल्ट एक्स प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है, इसका असाइन हुआ है। आप अगर चाहो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, शॉर्टकट की में जाके यहाँ पर आपका प्रेस कर सकते हो नया शॉर्टकट की, उसके बाद असाइन में क्लिक करना है, फिर उसके बाद ऐड कर देना है। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आज का लेसन यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।